हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति, यू आर वाचिंग फैशन इम्प्रेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक साड़ी रियूज आइडिया लेकर आई हूं, जो फेस्टिवल सीजन में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। करवा चौथ आ रहा है, तो आप अपनी पुरानी साड़ीज, जो हैवी साड़ी होती है, उसमें से न्यू ड्रेसेस बनाकर उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपनी पुरानी साड़ी से रिक्रिएट करके एक ड्रेस डिजाइन की है। तो ये है मेरी वो भारी भरकम साड़ी, जिसे मैं बहुत ही कम वियर करती थी। इसका बॉर्डर काफी हैवी होने की वजह से मैं इसको पहन ही नहीं पाती थी, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, देखिए आपको, इसका जो फैब्रिक है, ये देखिए पूरी नेट की साड़ी है। ये इस तरह से ये पूरी नेट की साड़ी है। यहाँ पर पूरे में स्पार्कल लगा हुआ है, स्पार्कल के डॉट्स डॉट्स डले हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो रखा है स्पार्कल वाला। और यहाँ पर इस तरह का दूसरा फैब्रिक लगाकर यहाँ पर ये जरकन और मोती का वर्क किया हुआ है। तो इस वर्क की वजह से, ये जो वर्क था इतना हैवी था कि साड़ी नेट की होने की वजह से नीचे की साइड बहुत ज्यादा फ्लो जाता था, जिससे साड़ी को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए साड़ी को पहना ही नहीं जाता, तो मैंने इससे एक लहंगा क्रिएट किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसको करवा चौथ पर भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हैवी साड़ी पड़ी है, या नेट की हो, जॉर्जेट की हो, कोई भी साड़ी हो, बहुत आसान है इसको बनाना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसलिए इसको आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है वो लहंगा जो मैंने इस साड़ी में से बनाया है। बहुत ही प्यारा लहंगा बना है। इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैंने जो पूरी साड़ी थी उसका फ्लेयर पूरा इस लहंगे में यूज किया है। क्योंकि इसमें पल्ला और साड़ी पूरी एक जैसी दे रखी थी, पल्ले का अलग से कोई भी पार्ट नहीं दे रखा था, तो पूरी साड़ी एक जैसी थी। तो उसमें से जो इसका घेर है, बहुत ज्यादा फ्लेयरी निकला है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इस लहंगे की। और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, ये देखिए। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। जो साड़ी की इस तरह से जो पूरी लेंथ होती है, उसी लेंथ को मैंने इसी तरीके से रखा है। ये देखिए, बॉर्डर है नीचे का साइड, और ये साड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसी तरह से मैंने रखा है। उस साड़ी को सिर्फ मैंने प्लेट्स दी है, जो छोटे छोटे, देखिए ये देखिए, बारीक बारीक गैदर्स दी है यहाँ पर, ये देखिए। जो मशीन से चुन्नटे दी जाती है ना, बारीक सी मोटे बखिया, मशीन में मोटा बखिया करके डबल धागे से स्टिच करके उसको खींचकर जो है चुन्नटे दी जाती है। पहले मैंने इसमें साड़ी को इतनी चुन्नटे दे ली थी कि जो साड़ी फुल लेंथ थी, जितनी साड़ी की फुल लेंथ थी, वो हाफ रह जाए, इतनी मैंने उसको गैदर इकट्ठी कर करके काफी सारी इसमें चुन्नटे दे दी। चुन्नटे देने के बाद उसका घेर कम से कम काफी इतना सारा हो गया था, तो मुझे उसको अपनी कमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। तो उसका चुन्नटे, उससे हम जो है घेर ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हमने पहले धागे से, मशीन से इसमें चुन्नटे दे दी, उसके बाद ये इलास्टिक आने से उसमें फ्लेयर और बढ़ गया। तो चुन्नटे देने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने ये ऊपर यहाँ पर देखिए अलग से ये बेल्ट लगाई है। और इसमें जो लहंगे में लाइनिंग की जगह मैंने यूज किया है, वहां पर मैंने टाफ्टा फैब्रिक यूज किया है, शाइनी फैब्रिक है, क्योंकि ये नेट की साड़ी थी, तो अंदर से थोड़ी शाइन तो होनी ही चाहिए थी। सिंपल फैब्रिक लगाते तो उसमें कोई भी ग्रेस ना आती लहंगे में, इसलिए इसमें टाफ्टा शाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है उसको यूज किया है। और इसको और ज्यादा अच्छी लुक देने के लिए मैंने जो लाइनिंग का जो ये बॉर्डर होता है लास्ट में, जिसको फोल्ड किया जाता है, नीचे का जो पार्ट होता है, उसके अंदर मैंने ये, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बुकरम लगा सकते हैं, टैट्रोन लगा सकते हैं, इसी टाइप से मैंने भी इसके अंदर केन लगाई है। मेरे पास, मैंने इस लहंगे में जो है केन साथ में अटैच नहीं की है, मैंने इस लहंगे के साथ पहनने के लिए केन के स्कर्ट अलग से बनाई है, तो उसमें से काफी सारी केन बच गई थी, तो मैंने उसकी इतनी चौड़ाई की बारीक पट्टी काट के और इसके अंदर पूरे फैब्रिक के अंदर यहाँ पर इसके अंदर केन दे रखी है पूरे घेर के अंदर। क्योंकि पूरी साड़ी में से ये लहंगा बनाया गया है, इसलिए इसका घेर काफी सारा आ रहा था, तो मैंने इसकी जो लाइनिंग का फैब्रिक यूज किया है, वो भी मैंने 3.5 मीटर लेके, और आप 4 मीटर भी ले सकते हैं, वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी होगा कि आपको 3.5 मीटर की लेंथ में पूरा आ जाता है या 4 मीटर की लेंथ में पूरा आता है। 3.5 मीटर की लाइनिंग जो ये टाफ्टा फैब्रिक है लेके मैंने इसको, जैसे नॉर्मल अम्ब्रेला कट स्कर्ट काटते हैं घेर वाली, उस तरह से इसकी अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाई है। और उस स्कर्ट को बनाने के बाद, जब मैंने इसके अंदर ये चुन्नटे, जो मशीन से, मैंने आपको भी बताया कि मैंने इसमें चुन्नटे दी थी, ये धागा खींचकर जो चुन्नटे दी थी, जितना घेरा उसका था उतना ही पार्ट मैंने जो अंदर वाली इसकी स्कर्ट बनाई है, अम्ब्रेला कट स्कर्ट लाइनिंग की जो बनाई है, उतना ही उसको रखा था, और फिर उन दोनों को यहां से अटैच कर दिया था।
दोनों फैब्रिक को अटैच करने के बाद ये जो बेल्ट है मैंने इसको अलग से बनाया है, ये साड़ी के फैब्रिक में ही लाइनिंग लगाकर और इसके अंदर इलास्टिक दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये बेल्ट अलग से लगा रखी है और मैंने इसको राउंड में पूरे में बेल्ट लगाई है इसी तरह से। ये देखिए पूरे में ही बेल्ट लगाई है, पूरे में राउंड राउंड में इलास्टिक दी है जिससे इसको पहनना बहुत आसान हो जाता है। इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई हुक या चेन नहीं लगाई है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसको बनाना बहुत आसान है। एक साड़ी में से जितनी भी लेंथ होती है आपको उसको चुन्नटे देकर उसको जो है उसकी लेंथ को कम करना है। लेंथ को कम करने के बाद इतनी लेंथ रखनी है कि आपने उसके अंदर इलास्टिक पानी है अपनी कमर के अकॉर्डिंग, तो भी उसमें चुन्नटे आ जाएंगी। इस तरह से आपको इसको लहंगे को बनाना है। तो इस तरह इसकी लहंगे की लुक बहुत ही अच्छी आई है। ये देखिए यहाँ तक नीचे तक बहुत प्यारा, और इसका घेर तो बहुत ही आया क्योंकि पूरी साड़ी इसमें यूज की गई है इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेयरी बना है। इसीलिए मैंने इसके साथ में केन अटैच नहीं की है और मैंने इसके साथ की केन की स्कर्ट अलग से बनाई है। उस स्कर्ट का ये फायदा है कि आप उसको और भी ड्रेसेस के नीचे वियर कर सकते हैं, या लहंगों के साथ, गाउन के साथ, या जो अनारकली कुर्तीज होती हैं आपकी हैवी वाली जो कुर्ती होती है आप उसके साथ भी इस केन वाली स्कर्ट को यूज कर सकते हैं। और जो ये लहंगे की आप लेंथ देख रहे हैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जहां तक आपने लहंगे को पहनना है यहाँ नेवल तक पहनना है, जहां तक भी आपने उसको वियर करना है आप अपनी लेंथ नाप लीजिए प्रॉपर, फिर उसके हिसाब से आप कट कीजिए। अब ये लेंथ जो साड़ी की पूरी लेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं तो जो उसके बट वाला हिस्सा होता है उसको हम अंदर की तरफ टाई करते हैं, लेकिन लहंगे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कम से कम इसमें से इतना फैब्रिक ऊपर से कट किया है, जो ऊपर की साइड था वहां पर भी इसी तरह का ये जो जैसे ये बॉर्डर दे रखा है इसी तरह का पल्ले की साइड से बॉर्डर शुरू हो रहा था, तो वो बॉर्डर मैंने सारा हटा दिया था और वो बॉर्डर मैंने संभाल के भी रखा हुआ है। उसके साथ भी मैं कुछ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी उस बॉर्डर का मैंने कैसे यूज करा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इसके इतने हैवी बॉर्डर को मैंने कैसे यूज करा या मैं क्या करने वाली हूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह उस साड़ी की लेंथ को कम करके मैंने इसको लहंगे को बनाया है, क्योंकि अगर साड़ी की जो पूरी लेंथ रखी जाती ना तो लहंगा इतना ज्यादा लंबा हो जाता कि हील के साथ भी हम उसको कवर नहीं कर सकते थे। तो लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जो नीचे अगर बॉर्डर हैवी बना हुआ है तो आपको नीचे से इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कट नहीं करना, ऊपर वाले पार्ट में से आप उसको कट कर सकते हैं। इसलिए ये लहंगा बनाना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया हुआ है और काफी फ्लेरी है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लहंगा बना है। ये मैंने नेट की साड़ी में से बनाया। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई हैवी साड़ी है जिसका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो काफी हैवी वर्क में है तो आप इस तरह से उसका लहंगा बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह जिस भी साड़ी में देखिए इस तरह का बॉर्डर यहीं से जो है बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा काफी हैवी, तो उसमें आप किसी भी तरह कट नहीं दे सकते हैं, कलियां भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कलियां देने से उसको काटने से उसकी बॉर्डर जो है वो खराब हो जाएगा और वो बनने के बाद उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए इस तरह की जो साड़ीज होती हैं जिनके बॉर्डर काफी हैवी होते हैं, मैं यहाँ पर पिक्स लगा दूंगी जिस टाइप की साड़ीज ऐसे हैवी बॉर्डर वाली होती है तो आप उसको किस तरह से इस लहंगे को बना सकते हैं। इसलिए हमें इसमें फालतू कोई भी किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं करनी, सिंपल तरीके से इसको बनाना है ताकि हमारी जो साड़ी में से हम लहंगा बना रहे हैं वो और भी निखर के आए, बहुत ही प्यारा लगे और उसको जो साड़ी की जितनी भी हैवी वर्क है, प्यारा सा जो वर्क है आपकी साड़ी में, वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो। अब बात कर लेते हैं इसके जो ऊपर का मैंने ब्लाउज बनाया है, जो उसका टॉप बनाया है वो मैंने जो साड़ी का ही ब्लाउज था उसको मैंने नहीं रखा क्योंकि उसमें भी इसी तरह का बॉर्डर दे रखा था, तो पहनने के बाद ऐसा लगता कि हमने साड़ी में से ही बनाया। अगर मैं ब्लाउज उसी का वियर करती तो ये बिल्कुल भी ना लगता कि अलग से लहंगा बनाया है। अगर मैं इसी के साथ का ब्लाउज इसके साथ पहनती तो बिल्कुल वही लुक आती जैसे कि मैंने साड़ी पहनी है। तो मेरे को कुछ नया लुक देना था तो मैंने इसके साथ ब्लाउज का फैब्रिक अलग से परचेज किया है कंट्रास्ट करके। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको न्यू आइडियाज मिलते रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ब्लाउज किस तरह का बनाया है इसके साथ। इसके साथ मैंने ये स्पार्कल वाला ब्लाउज बनाया है स्लीवलेस। इसका फैब्रिक देखिए, ये देखिए बिल्कुल स्पार्कल वाला सॉफ्ट फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, बट मैंने इसके अंदर जो है लाइनिंग लगाई है इसीलिए इसका स्ट्रेच खत्म हो गया है,
तो मुझे क्योंकि इसके अंदर लगाने के लिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक मार्केट से मिला नहीं था, इसीलिए मैंने इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग लगाई है। इसको मैंने स्लीवलेस रखा है और यहाँ फ्रंट में मैंने इसको स्वीट हार्ट नेक दिया है और काफी मतलब बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है। इस तरह के नेक जो है लहंगे के साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं और आर्म होल भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा है मैंने इसका। राउंड में मैंने इसका डीप थोड़ा मटके सी शेप में नेक जो है नेक रखा है और जो हम पीछे से जो डीप नेक बना लेते हैं तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने इसमें डोरी अटैच की है। डोरी मैंने इसमें ये रेडीमेड ली है, यहाँ बिल्कुल बारीक वाली जो है इसी ब्लाउज वाले कलर से ही रोज गोल्ड कलर का ये ब्लाउज है उसके साथ मैच करके मैंने इसमें डोरी लगाई है और उसको और ज्यादा अच्छी लुक देने के लिए मैंने सेम उसी के साथ मैच करते हुए ये देखिए इस तरह की बारीक सी ये लैस लगाई है। लैस बहुत ही सस्ती आ जाती है, 10-15 रुपए मीटर की ये लैस थी जो मैंने पूरे ब्लाउज में लगाई, उसके बाद मेरे पास थोड़ी बहुत लैस बच भी गई थी। तो ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने प्लेट्स में बनाया है। प्लेट्स मैंने इसकी ज्यादा नहीं दी है, एक यहाँ साइड में यहाँ पर प्लेट दी है ये, और एक प्लेट यहाँ नीचे की तरफ दी है, ज्यादा प्लेट्स नहीं दी है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और मैंने इसको इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई जिप या हुक नहीं लगाया है, ये ऐसे ही इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। और इसके ब्लाउज में मैंने बैक पर ये डोरी के साथ लटकन अटैच की है, रोज गोल्ड कलर की ही ये मैंने लटकन ली है। देखिए कितनी प्यारी सी ये लटकन है, ये देखिए कितनी सुंदर है। मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर लटकन मिल जाती हैं, आपको जिस कलर की भी चाहिए, जिस ड्रेस के साथ मैच करनी है उसके साथ बहुत ही प्यारी लटकन मिल जाती है। और ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गई थी, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था, ये मुझे 120 का पेयर मिल गया था जो बहुत ही प्यारी लगती है। और इसको मैंने इसके साथ सिर्फ ऐसे नॉट लगा के गांठ लगा के इसको अटैच किया है ताकि मैं इन लटकन को आप किसी और ड्रेस के साथ भी लगा सकूं, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा है और कलर भी ऐसा है, मैं इसको किसी भी ड्रेस के साथ लगा सकती हूँ, किसी भी ड्रेस की डोरी पर इसको लगा सकती हूँ। बिना साइड डोरी के तो लहंगे में लुक ही अच्छी नहीं आती, तो इसमें डोरी लगाना भी जरूरी था। लेकिन जो मैंने इसके साथ डोरी बनाई है उसको मैंने इसके साथ में अटैच नहीं किया, उसको मैंने अलग से रखा है, क्योंकि उसको भी मैं और ड्रेसेस के साथ भी डोरी को अटैच करके और भी तरीके से यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको इसके साथ अटैच नहीं करा। मैं उसको सेफ्टी पिन के साथ इसके साथ अटैच कर लेती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह उसको यहाँ पे लटकन को अटैच कर लेती। तो जैसे कि लहंगे में दो शेड्स थे, एक ये ऑफ वाइट शेड है और उसके ऊपर रोज गोल्ड कलर का डिजाइन दे रखा है और नीचे ये ग्रीन कलर है, तो सी ग्रीन सा कलर है, तो मुझे इन दोनों के कंट्रास्ट में लटकन चाहिए थी। तो मैंने लटकन भी रेडीमेड मार्केट से परचेज की है, ये पहले तो मैंने ये डोरी ली है 1 मीटर बारीक सी, जिसको मैं यहाँ पर लहंगे के साथ में इस तरह से अंदर की साइड से सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। तो और उसके बाद मैंने ये लटकन ली है, ये कुशन वाली लटकन है, ये वाली जो लटकन है ये मेरे पास पहले पड़ी हुई थी, मेरे पहले वाले लहंगे की थी, तो मैंने उसके ब्लाउज पर ये लगा रखी थी, तो वो मैंने उस पर से उतार ली और उसके साथ मैंने ये वाली जो है मार्केट से परचेज की है। तो ये पूरा मिला के मैंने इनको सबको जोड़ के कुछ इस तरह से लटकन बना ली है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर है और कलर कंट्रास्ट बिल्कुल मैच हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में जो लैस वाली शॉप्स होती हैं वहां पर हर तरह की हर कलर की कॉस्टली भी और जितने आपके बजट में चाहिए उस बजट के हिसाब से भी आपको लटकन वगैरह मिल जाती है। ये भी मैंने बहुत ज्यादा महंगी नहीं ली थी, ये भी शायद 190 की थी जो ये वाली है, ये वाली जो लटकन है ये भी 190 का पेयर था और ये मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी। तो इसको हम यहाँ पर लहंगे के साथ ऐसे अटैच कर देते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। ये देखिए इस तरह से लगने के बाद ये लहंगा और भी रेडीमेड वाली लुक देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब लहंगा चोली दुपट्टे के बिना तो अधूरा है, इसलिए एक इस तरह जब आप पार्टी वेयर हैवी लहंगा बनाते हैं तो उसका दुपट्टा भी काफी अच्छा सा लीजिएगा। आप रेडीमेड दुपट्टे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, आप उनको कलर भी करा सकते हैं, डाई करा सकते हैं, या अगर आपको कलर डाई नहीं कराना, आपकी साड़ी के साथ मैचिंग कलर मिल जाता है बाजार में तो आप उसको ले सकते हैं। तो अब इस लहंगे का कलर जो ऑफ वाइट था, क्रीम कलर था, तो मुझे इसमें ज्यादा कलर या ब्राइटनेस नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसके साथ इसी कलर में ही दुपट्टा लिया है। ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा लिया है, ये देखिए इस तरह इस पर ये बॉर्डर बना हुआ है, जरी का वर्क है, बहुत ही प्यारा चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सा जरी और सीक्वेंस का बारीक बारीक सितारों का वर्क हुआ रखा है। और यहाँ बीच बीच में भी यहाँ पर जो है बुटियां दे रखी हैं जो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा मैंने लिया है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा कलर इसमें डार्क ऐड नहीं करना चाहती थी, चाहती तो मैं इसके साथ
ग्रीन कलर का ब्लाउज या ग्रीन दुपट्टा ले सकती थी, बट मुझे इसकी जो पूरी लुक है वो गोल्डन ही रखनी थी और एक ही कलर जो नीचे लहंगे में हाईलाइट हो रहा है बस उसको ही हाईलाइट होने देना था, इसीलिए मैंने पूरी लुक एक जैसी रखी है। तो अब ये लहंगे के साथ ये दुपट्टा कुछ इस तरह से लगता है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये दुपट्टा, ये देखिए इस तरह से ये लहंगे के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर लुक आ रही है इसकी, ये देखिए। अब इसके साथ अगर मैं ग्रीन दुपट्टा लेती तो वो इतना ज्यादा, मुझे लगता है शायद इतना ज्यादा अच्छा ना लगता। और इस दुपट्टे का एक फायदा और है, एक तो ये गोल्डन कलर का है इसलिए मैं इसको और भी ड्रेसेस के साथ पहन सकती हूँ, वियर कर सकती हूँ, और इसको जब अगर मुझे कभी डाई कराना हो किसी और शेड में तो मैं इसको डाई भी करा सकती हूँ। तो ये दुपट्टे से जो है इस लहंगे की लुक और भी अच्छी लग गई है। अब ये देखिए पूरा कॉम्बिनेशन इतना प्यारा बना है ना ये लहंगे का, ये देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है ये पूरा गोल्डन गोल्डन शेड में। इस तरह के शेड्स पहनने से एक रिच लुक आती है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज हो गया, ये लहंगा और ये लहंगे का दुपट्टा, ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। तो इसकी जो केन वाली स्कर्ट है उसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है इसी साड़ी का, जिस साड़ी का मैंने लहंगा बनाया है ना उसी साड़ी का जो साटन का पेटीकोट था, तो वो जो पेटीकोट था वो तो वेस्ट था क्योंकि साड़ी तो मेरी यूज हो गई लहंगे में, तो पेटीकोट मेरे लिए वेस्ट था, मेरी और किसी साड़ी पर मैच भी नहीं हो रहा था। तो मैंने जो है उस लहंगे का जो पेटीकोट है ना उसी को मैंने केन वाली स्कर्ट में बनाया है। वो पेटीकोट मैंने ऐसा का ऐसा ले लिया और उसकी थोड़ी सी मैंने लेंथ कम कर ली थी और फिर मैंने ऊपर से जो नाड़े वाला पार्ट होता है उसको फोल्ड करके उसके अंदर यहाँ पर मैंने चारों तरफ में राउंड में इलास्टिक डाल दी थी और जो गोटों तक का, गोटों से जो नी से हमारी थोड़ा सा नीचे से पार्ट स्टार्ट होता है या नी से भी आप केन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये केन लगाई है, मैंने केन भी डबल लगाई है, पहले एक लेयर नीचे की तरफ लगाई है और फिर उसके ऊपर एक लेयर और लगाई है, तो ये डबल लेयर, ये देखिए अंदर से दूसरी लेयर दिख रही है और ये दूसरी लेयर, तो डबल लेयर वाली मैंने जो है केन लगाई है इसके अंदर। जो मैंने अंदर केन लगाई है उसको मैंने सिंपल सा ऐसे ही मोड़ा है, लेकिन जो इसके ऊपर वाली जो पार्ट है उसकी मैंने केन पर यहाँ पर, ये देखिए इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, इसके लिए मैंने एक फॉल ली थी केन से मैच करके, जो साड़ी पे लगाने वाली फॉल आती है 20-25 रुपए की जो फॉल आ जाती है उसको मैंने पट्टियों में कट किया है और उस केन को फोल्ड करके केन के नीचे इसका यूज किया है, क्योंकि अगर हम केन ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो लहंगा भी नेट का है ना, तो केन हार्ड होती है, थोड़ी सी प्लास्टिक टाइप की होती है, तो वो लहंगे में अड़ेगी, चलते हुए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, साड़ी के धागे खींच सकते हैं, साड़ी की सारी जो लहंगा आपने बनाया है उसकी फिनिशिंग खराब हो सकती है, इसलिए लास्ट में जो केन है, केन को जो लास्ट वाला हमारा पार्ट आएगा जो नीचे, उसको सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इससे मैच करते फॉल का यूज किया है और इसी तरह जो बची हुई फॉल थी उसकी बारीक पट्टी काटकर मैंने यहाँ पर लगाई। आई होप कि आपको मेरा ये साड़ी रियूज आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा साड़ी रियूज आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पता चले कि मैंने किस तरह से ड्रेस को बनाया है, डिजाइन किया है। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।